महामारी के बीच फंगल संक्रमण का कहर भी जारी है। कई राज्यों में एक के बाद एक ब्लैक फंगल के ढेरों मरीजों के आने के बाद केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों से इसे महामारी घोषित करने को कहा है। इस इन्फेक्शन के खात्मे की शुरुआत भी नहीं हो सकी थी कि एकाएक व्हाइट फंगस के मरीज भी आने लगे। विशेषज्ञों के मुताबिक ये नया संक्रमण ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये केवल एक अंग नहीं बल्कि फेफड़ों और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है। चिकित्सकीय भाषा में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। ये नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन और मुंह के साथ फेफड़ों को संक्रमित करता है। हालांकि इस फंगस से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं उसके साथ जरूरी नहीं है कि वो कोविड से संक्रमित हो। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते हैं, जैसे सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द होना। इसके अलावा कई दूसरे लक्षण भी दिखते हैं। संक्रमण अगर शरीर के ज्वाइंट पर असर करे तो उसमें दर्द होने लगता है, ब्रेन तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता पर असर दिखाता है, मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता है और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियां भी हो सकती है। स्किन में रक्त के जरिए फैलने पर छोटे छोटे फोड़े हो सकते हैं जो आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। ये संक्रमण का शुरुआती लक्षण है। तब तक बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा। फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर कई बार लोग बगैर जांच के खुद को कोरोना संक्रमित मान लेते हैं और घर पर ही दवाएं करने लगते हैं। इससे हालत बिगड़ जाती है और संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है और मरीज की ऑर्गन फेल होने से मौत हो सकती है। तो इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन आखिर होता कैसे है? जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें ये संक्रमण हो सकता है। अगर वे संक्रमित वनस्पतियों या फिर दूषित पानी के संपर्क में आए। इसके अलावा कोविड संक्रमित मरीज जिन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है और उन्हें भी संक्रमण हो सकता है अगर नाक या मुंह पर लगे उपकरण फंगल युक्त हो। इसके अलावा उन लोगों में भी इसका खतरा ज्यादा रहता है जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक एस्टेरॉयड ले रहे हों। महिलाओं में ल्यूकोरिया के रूप में इनके अलावा व्हाइट फंगल का खतरा महिलाओं को भी ज्यादा होता है और ये उनमें ल्यूकोरिया यानी जननांग से सफेद स्त्राव के रूप में दिखता है। कैंसर के मरीजों को भी इस संक्रमण का ज्यादा डर होता है। कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर अगर मरीज RT-PCR करवाता है और जांच नतीजा नेगेटिव आता है तो विशेषज्ञ उसे कोरोना के लिए HRCT करवाने की सलाह देते हैं। इसमें लंग्स में गोले की तरह दिखते हैं जो कि कोरोना से अलग है। तब मरीजों से बलगम कल्चर की जांच कराई जाती है जिसमें इसकी पुष्टि हो जाती है। ऐसे होता है इसका इलाज। एंटी फंगल दवाओं से इलाज शुरू होता है। हालांकि दवाएं तभी ज्यादा असरदार होती है जब बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए। देर से पता चलने पर मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, तब इसी के मुताबिक इलाज तय किया जाता है। क्या है ब्लैक फंगस जानते हैं? ब्लैक फंगस क्या है जिसे राज्य महामारी घोषित कर चुका है? असल में ब्लैक फंगस संक्रमण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले को ही होता है। चूंकि कोरोना के हमले के कारण बहुत से लोग कमजोर हो चुके हैं और ऐसे में ये फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ा है, जबकि पहले ये बीमारी कीमोथेरेपी, अनियंत्रित शुगर, किसी भी तरह के कोलेस्ट्रॉल से गुजरने वाले लोगों और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करती थी। ये बीमारी म्यूकोरमाइसाइट्स नामक फफूंद से होती है। ये फफूंद नाक से होते हुए शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है।
आमतौर पर ये फंगस हवा में होता है और सांस के जरिए नाक में जाता है। कई बार शरीर के कटे या जले हुए स्थानों के इस फंगस के संपर्क में आने पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी नाक इसके प्रवेश की मुख्य जगह है, लेकिन ये शरीर के किसी अंग पर आक्रमण कर सकता है। ब्लैक फंगस के ये हैं मुख्य लक्षण: सिर में दर्द, नाक बंद होना या अंदर पपड़ी जमना, आंखों में लालिमा के साथ सूजन होना। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। हालांकि ये बीमारी एक के दूसरे को या जानवरों से इंसानों तक नहीं फैलती है, बल्कि सीधे फंगस के संपर्क में आने पर ही संक्रमण का डर रहता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।